नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ये वीडियो खास तौर से जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके लिए हम लेके आए हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि सूचना आपके लिए लाभदायक रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे आपके और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी लेटेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस ऑर्डर में हमको बताना चाहेंगे कि 4 जुलाई 2017 को डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर जारी किया है, और इस ऑर्डर में उन्होंने बोला है कि जो 2016 से पहले के जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनका जो पेंशन है वो सातवें वेतन आयोग के अनुसार जल्दी से रिवाइज किया जाए उसको। सातवें वेतन आयोग के अनुसार पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज करने के लिए PCDA इलाहाबाद ने भी एक 30 मई 2017 को ऑर्डर इशू किया था, और इस ऑर्डर में उन्होंने पेंशनर्स के बारे में सारी डिटेल्स मांगी थी, जैसे कि पेंशनर्स का आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, और पेंशनर्स का या फैमिली पेंशनर्स का लास्ट पे सर्टिफिकेट, डाट वो सारी डिटेल्स मांगी थी। जो डिटेल्स हैं वो जल्दी से नीचे दिए हुए प्रोफॉर्मा में भेज दी जाएँ इस ऑफिस को। इसके लिए उन्होंने फैक्स नंबर भी यहाँ पर दिया है और ईमेल आईडी भी दिया है, पोस्टल एड्रेस भी दिया है। और हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पे इंक्लूड है, और वो फॉर्मेट है यानी सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को ये जारी किया है। तो इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। अब यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ रिटायरमेंट, PPO नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कॉपी ऑफ ओरिजिनल PPO। तो ये सारी डिटेल्स अब हर एक पेंशनर्स को जल्दी से फिलअप करके आपका जो भी पेंशनर पेंशन डिस्बर्समेंट ऑफिसर है उसको जमा करानी है। तो उम्मीद किया है जल्दी ही आपको आपका नया पेंशन मिल जाएगा। दोस्तों, ये न्यूज़ थी आपके लिए, और उम्मीद की जा रही है जल्दी से जल्दी आपका जो पेंशन है वो रिवाइज हो जाएगा और आपको नया पेंशन मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और यदि सूचना आपके लिए लाभदायक रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको ऐसी ही ऑथेंटिक न्यूज़ लाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।